हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डॉक्टर सोना कौशल यहाँ, और आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कस करने की सोच रही हूँ, एंड दैट इज अबाउट गुड लीडर्स और गुड लीडरशिप। आज आपको पता है कि हमारे मंत्रिमंडल में, सेंट्रल मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव बीन यू नो रीशफल्ड एंड चेंज्ड। तो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हैं, टीम मोदी इज देयर एंड मोदी जी इज द लीडर और उनकी टीम है। सो टीम मैं सोशल इम्पैक्ट उन मुद्दों पे बात करती हूँ जो कुछ रिपल सोसाइटी में कॉज करते हैं और हमें साइकोलॉजिकली अवेकन करते हैं। तो एक टीम नहीं बनी है, बहुत सारी इस पे कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि क्या लोग बदलने से चीजें बदल जाएंगी, टीम क्या होती है, लीडर क्या होता है। तो जस्ट 5 मिनट टॉक और मैं इसको आपको अवेकन करती हूँ कि टीम वर्क एक सिनर्जिस्टिक वर्क होता है जिसमें सारे मेंबर्स सिनर्जिस्टिकली मतलब इकट्ठा काम करते हैं और एक गोल के लिए काम करते हैं, और सबका गोल एक ही होता है, और इस टीम का गोल है देश की सेवा करना, सबका साथ सबका विकास। सो सिनर्जिस्टिक लीडर्स जब इकट्ठा काम करते हैं, सो दिस इज अ टीम, और इनको लीड करती है इनका लीडर। और लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक लीडर वो नहीं होता जो गोल के लीड करता है, लीडर वो होता है जो दूसरों को मोटिवेट, दूसरों को एम्पावर, दूसरों को यू नो इतनी मोटिवेशन और पावर देता है, और ताकि वो अपनी गुड क्वालिटीज उभार सके, अपने को आगे ला सके। सो अ गुड लीडर इज समवन जो औरों को आगे लेके चले, ना कि जो खुद आगे लीड करे। सो ये दिस इज समथिंग विच वी ऑल हैव टू कीप इन माइंड कि गुड लीडरशिप का मतलब क्या है। एंड मोदी जी इज एन एक्सेलेंट लीडर, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, एंड ही इज ब्रॉट इन अ न्यूअर टीम ऑफ लीडर्स, और उनको समय दिया है क्योंकि देखा गया है कि चेंज एक इनएविटेबल पार्ट है लाइफ का। लाइफ इज चेंज, मैंने एक वीडियो में पहले भी वो शेयर करी है बात। सो चेंज इज एन इनएविटेबल पार्ट, चेंज को पॉजिटिवली लेना है क्योंकि चेंज से ही क्रिएटिविटी और आगे का यू नो चीज बढ़ती है। सो हम चेंज को पॉजिटिवली ले, टीम वर्क को सब इकट्ठा मिलके सिनर्जिस्टिकली अपने अपने बजाय अपने अपने को आगे लाने के, और एक एक मेंबर अपने को यू नो शोकेस करे कि आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, दे शुड ऑल मूव टुगेदर और एक गोल की तरफ ताकि भारत का विकास हो। सो दैट इज टीम वर्क, और एज आई सेड टीम वर्क को लीड करता है लीडर जो कि एम्पैथेटिक होता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, जिसमें गुस्सा नहीं होता है, एसर्टिव होता है, और दूसरों की अच्छाइयों को उभारने में यू नो वो सक्षम होता है। सो ही इज देयर टू टेक पीपल फॉरवर्ड, ही इज नॉट देयर टू शोकेस हिज मैचो यू नो इमेज और अपने आप को आगे रखने में नहीं होता। ही इज नॉट अ गुड लीडर अगर वो सिर्फ मैं और आई और मी और माइन में ही रहेगा, but he has to take the whole team forward. So I hope ये जो नई टीम है ये synergistically काम करेगी, अपने पुराने जो हमारे leaders हटे हैं और जो ये लोग आए हैं उनसे lessons लेगी, because जो senior होता है जो उस वहाँ से हटता है, he always has a story, he always has lessons. तो इसमें कोई ego problem नहीं आनी चाहिए। ego का मतलब that I am better than you. सो एक कम्युनिकेशन रहनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मेंबर्स के बीच में कि आप भी सही और आई एम ऑल्सो राइट, कि हम दोनों का नजरिया अलग अलग है, हम दो लोग एक जैसा सोच नहीं सकते हैं, तो सबका नजरिया अलग होता है, लेकिन एक अपने को एक ऐसे बॉक्स में रखें जिसमें आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके, इफ आई एम राइट और यू आर रॉन्ग। अगर ऐसी भावना लीडर में या किसी मेंबर में आ जाती है, मिनिस्टर में या किसी भी पर्सन में आ जाती है, तो वो फिर मैल फंक्शनिंग हो जाती है, लोग उससे दूर हटने लगते हैं। सो आई एम ऑल्सो ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके, इस वाले बॉक्स में रख के चलना है, लेकिन एजर्टिव रहना है। एजर्टिव का मतलब मुद्दों की बात करनी है, पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं करना है, प्रॉब्लम्स की बात करनी है और उनके सोल्यूशन ढूंढने हैं, और इकट्ठा सबको लेके चलना है क्योंकि गोल सबका एक ही है। इट इज नॉट कि मैं अपना टैलेंट शोकेस करने आ रही हूँ एज अ इन द टीम, मैं अपने टैलेंट को शोकेस करते हुए सबको साथ लेते हुए गोल अचीव करने आ रहे हैं। तो उस भावना से एक टीम वर्क होता है, और लीडर जैसे मैंने आपको बताया
वो सबको मोटिवेट करता है। आर्मी में तो ये कहा जाता है कि अ लीडर जो ऑफिसर है वो सामने से लीड करता है, ऑफिसर अपनी ट्रुप्स को सामने से लेके चलता है, ही इज द वन टू लीड देम। और बाकी चीजों में हम लोग कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप में हम थोड़ा सा एक रोल मॉडल बन के उनको मोटिवेट करें, लेकिन टीम को आगे बढ़ने दें और टीम को ही अपना टैलेंट, अपना काम शोकेस करने दें। एक एप्रिसिएशन, एक मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें जो हैं एक टीम को दृढ़ बनाती हैं। एंड आई होप कि हमारी जो टीम इंडिया आपकी बार न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स की है, इट विल ब्रिंग लॉरल्स टू द कंट्री। सो एंड आई होप एंड आई नो दैट वी हैव वेरी गुड लीडर्स और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, एंड वी विल सी अ बेटर इंडिया।